मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी खास खबर ये है। आशीष गिरी जो प्रेसिडेंट है थाने के कांग्रेस के, उन्होंने पूरे थाना में एक जलवा करके रखा हुआ है। राहुल जी गांधी और सत्यजीत तांबे हमारे जो अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद हर इलाके में, हर गली में, हर कोने में जा जाके यूथ कांग्रेस का जोड़ने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मुझे इसके ऊपर गौर है और मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी ये पूरे की सत्ता पलटी हो जाएगी। जो मुमरा में आज जलवा देखा मैंने युवकों का, हमारे सोहेल जो यहाँ पर जलवा कर रहे हैं, उससे पता हो रहा है कि आने वाला दिन एक कांग्रेस का रहेगा। यूथ कांग्रेस के माध्यम से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि बिजली के लिए सबसे पहला रास्ता रोको आंदोलन मनोज शिंदे के नेतृत्व में सभी कांग्रेस वालों ने यहाँ पर शुरुआत की। उसकी कोई पार्टी वाले यहाँ नहीं कर रहा है। आगाड़ी की बात यहाँ पर मत कीजिएगा, मेरी संगठना की बात कर रहा हूँ। मेरी आगाड़ी होगी या जाएगी अक्सर मैंने कहा है, मगर लोगों की तकलीफ के नीचे पीछे लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। और वो जब तक उसका निर्णय होता नहीं लोगों के बारे में, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। विक्रांत चौहान जी उसके बाद भी आज आंदोलन सिग्नेचर कैम्प आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और हमारी ये लड़ाई चालू है। जब तक ये मुमराओं को न्याय बिजली के बारे में नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। सर सुहेल पटाल ने जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, जो युवाओं को जोड़ा, क्या कहेंगे? मैं सुहेल को वाकई दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और उसको बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसके अंदर जो है एक लीडरशिप है और वो लीडरशिप लोगों के काम कैसी आ सकती है, इसके लिए कांग्रेस अक्सर ऐसे युवकों के कंधे पे हाथ रख के उनको मोबिलाइज करता है और उनको ताकत देता है। मानी जी, सोहेल जी और सभी हमारे जवान, मेरा दोस्त यहाँ पर है, सभी लोगों के माध्यम से हर स्तर पे, फिर वो गरीब हो, अपंग हो, बुढ़ा हो, जवान हो, जो भी है, महिला हो, जो भी पीड़ित है प्रश्नों से, उसके लिए अभी हम लोग एक दरबार भी चालू करने वाले, लोगों के पास जाने के लिए हर गली गली में दरबार चलेंगे और ये सरकार में हम बैठे उसका फायदा लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जानकारी दे दूँ कि बाकी पार्टियों में पोस्ट या ऑफिस में बुला के दिया जाता है और हम लोग खुद ग्रास रूट पे आके एक एक कार्यकर्ता के घर घर जाके हम पोस्ट दे रहे हैं। तो इसे हम ये बता दें कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है और क्या तकलीफें होती है वो जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए। तो इसे आप समझ सकते हो कि यूथ कांग्रेस किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में काम करने वाली है। वितरण किया गया आज यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लोगों को दिया है। ये तो शुरुआत है, होते ना, अभी तो कुछ जाके है, पूरी पर्वत बाकी है। हम लोग पहले सबसे जितने युवा हैं उन्हें एक ही बात कही है कि पहले हम लोग यहाँ पे अपने परिसर से शुरुआत करेंगे, फिर वो गटर का तकलीफ हो, पानी की तकलीफ हो, उस समय स्थानीय समस्याओं पर जब अगर यूथ कांग्रेस जमीन पर उतरेगी और लोगों का भला होगा तब हम लोग यूथ कांग्रेस से सारे लोग जुड़ेंगे। और मेरी यूथ कांग्रेस से वही आशा है, उसके लिए मैं पूरी रात दिन मुमरा हो,
कलवा मुमरा हो या फिर कोई भी विधानसभा मेरी जितना मेरा परिसर आता उससे मैं रात दिन मेहनत करने के लिए मुझे सम्मान्य सत्य दादा ने ये पोस्ट दिए और इसे पूरा न्याय दिलाने का काम मैं और राहुल गांधी की विचारधारा लोगों तक लेके जाने का काम जरूर करूँ। आज अगर हमने शुरुआत कोई भी काम की शुरुआत जीरो से होती है तो मैं आप लोग को सब बता दूं कि मैं आज लोगों के बीच में बैठने वाला हूं, उनकी समस्या जानने वाला हूं और एक एक करके जब तक सारी समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कहीं ना कहीं और पार्टियों में भी गुटबाजी चल रही है, वहीं आज कांग्रेस युवक में भी गुटबाजी नजर आ रही है। यहाँ के कांग्रेस कलवा बुमरा यूथ से अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? कैसा है कि गुटबाजी ऐसा आपको लग रहा है? सारी पार्टियों में एक गुटबाजी है वो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे यूथ कांग्रेस में नहीं है। क्या है, कुछ समस्या हो गई, मेरी उनसे बात हुई थी, वो अचानक में नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें दूसरी जवाबदारी दी है। आज जब जिला अध्यक्ष आया तो विधानसभा के जो अध्यक्ष उनको दूसरी जवाबदारी दी गई, यहाँ पे तो उस काम में बिजी है, कोई गटबाजी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसको यहाँ रहना चाहिए। नहीं, कोई दूसरे काम के लिए हमने भेजा है तो हमने इस वजह से वो नहीं आया। ऐसा कुछ गुटबाजी आपको समझ में नहीं आ रहा? आने वाले दिनों में आप पोस्टर बैनर देख लो, हम सब साथ में नहीं रहेगा वहाँ पर डाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोगों का भी फोटो नहीं डाला है जैसे कि, तो प्रोटोकॉल में लड़के लोगों ने नहीं एडजस्ट हुआ रहेगा, ये अगली बार दुरुस्त होगी, मैं आपको गवाही देता हूँ। उन्होंने वादा किया है क्या वो मुझे नहीं मालूम, या उन्होंने पूरा किया है कि नहीं, पर आपकी समस्या पर मैं आपको तो हम लोग सिर्फ करने के लिए यहाँ तक आए हैं, वादा करने के लिए नहीं, काम करने के लिए आए। और आपकी समस्या जिसे आप न्यूज चैनल वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आवाज़ आगे तक पहुँचाए ताकि ये जो चाचा जी ने फेस किया है वो समस्या किसी और पिताजी पे ना आए, मैं आप लोग से गुजारिशें करूँगा। सोहेल पठान जी हो या हमारे राजू जी हो या हमारे सारे यूथ हो, सारे मेरे यूथ के पदाधिकारी, स्पेसिफिक किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, हम सारे यूथ के बंदे हैं, राहुल गांधी के सिपाही है, तो हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, इसके ये जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ब्लॉक नंबर 11 से, और मुझे मेरी पूरी बॉडी को इकट्ठा करके आज के दिन यानी कि मुमरा में युद्ध का पद ये देने के लिए हमारे आशीष गिरी थाना के अध्यक्ष मनोज शिंदे साहब, हमारे उपाध्यक्ष गफूर रोमानी साहब यहाँ मौजूद थे। उमरा की काफ़ी समस्या है जो हम लोग सारे यूथ मिलके और हमारे साथ में जो जुड़े हैं हम लोग इसको जल्द से जल्द मसले हल करेंगे। जैसे कि ट्रैफिक का मसला है सबसे पहला, दूसरा हमारा जो है जो टॉयलेट जो मिथल के पास का, उसका हम लोग हमारे चेयरमैन से अधिक से बात करेंगे। काफ़ी ऐसे मसले जो लाइट को लेकर, जैसे हमारे मनोज शिंदे साहब ने कहा, उसके लिए भी हम लोग अभी सारी चीज़ें के लिए उतरेंगे सारे यूथ। ये जो सुहेल पठान को जो ब्लॉक 30 का जो अध्यक्ष बनाया गया यूथ का, और उसने जो आज कमेटी डिक्लेयर करने का प्रोग्राम रखा, और वो प्रोग्राम के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी एक दिली तमन्ना है मुमरा के अंदर कि मैं यंग जवान लोगों को, यंग लड़के लोगों को आगे बढ़ाओ पॉलिटिक्स के अंदर, वो आगे बढ़े काम करे, मेरा उनके लिए पूरा साथ रहेगा, यंग जवानों के लिए पूरा साथ रहेगा, वो काम करते रहे, मैं उनका सबका मतलब तहे दिल से हिम्मत अफजाई करता हूँ सबकी। सपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं ना, सपोर्ट तो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबर आप तक पहुंचे।